है और मरना तो मुसलमान ही मरना, और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और फिरके फिरके न हो जाना, और अपने ऊपर अल्लाह की उस मेहरबानी को याद रखना जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए, और तुम आग के गढ़े के किनारे तक पहुंच चुके थे तो उसने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुमको अपनी आयतें खोल खोल। लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे, यही लोग हैं जो कामयाब हैं। और उन लोगों की तरह न होना जो मुतफर्रिक हो गए और साफ अहकाम आने के बाद एक दूसरे से इख्तिलाफ करने लगे। ये वो लोग हैं जिनको कयामत के दिन बड़ा अजाब होगा, जिस दिन बहुत से मुंह सफेद होंगे और बहुत से सियाह। तो जिन लोगों के मुंह सियाह होंगे उनसे अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम ईमान लाकर काफिर हो गए थे? सो अब उस कुफ्र के बदले ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं, और अल्लाह अहले आलम पर जुल्म नहीं करना चाहता, और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में करने को कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो, और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो उनके लिए बहुत अच्छा होता, उनमें ईमान लाने वाले भी हैं लेकिन थोड़े और अक्सर नाफरमान हैं। ये तुम्हें खफीफ सी तकलीफ के सिवा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, और अगर तुमसे लड़ेंगे तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनको मदद भी कहीं से नहीं मिलेगी।